लेदर जैकेट के हॉल में आपका स्वागत है। और जो पहला ब्रांड हम देख रहे हैं भाई वो है सीधा रॉन्ग। रॉन्ग आपको टाइम मिल जाएगा, प्राइसिंग अपनी हुई 5,299। देखो लेदर जैकेट्स आर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन डील दिलवाने वाला हूँ। फर्स्टली हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का लेदर जैकेट। जो लेदर जैकेट जब भी खरीदते हैं बहुत कम ऐसे कलर ऑप्शन होते हैं जो की आप पे अच्छे लगेंगे। डोंट वरी, मैं आपको कलर भी बताऊंगा। इस जैकेट में आपको मेंटेन कॉलर जैसा देखने को मिलता है, मिड नेक जैसा थोड़ा सा हाइट है इसमें, और यहाँ पर आपको एक बटन भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कूल लगता है। इसमें आपको मेटल का चेन मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नीचे में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसपे भी आपको जिप मिलता है, और हर जिप के ग्रिप पे ना आपको रॉन्ग की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। नीचे आपको एक ब्रांडेड पैच देखने को मिलता है रबर का। एंड ओवरऑल एक बहुत सिंपल लेदर जैकेट, यहाँ पर आपको ज्यादा स्टिचिंग, ज्यादा मेटल का काम, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। बहुत ही कैजुअल जैसा फील होता है। स्लीव्स पे भी आपको जिप्स की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। जिप्स खोलने से ना थोड़ा सा उसमें ओपन स्पेस ज्यादा आता है, आप आराम से हाथ डाल सकते हो, वापस से जिप को क्लोज कर लो। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा सिंपल प्लेन मिलता है। बड़ा बड़ा अंदर झांक लेते एक बार, क्योंकि भाई देखो इंडियन हो ताका झांकी जरूरी है। अंदर में आपको पॉलिस्टर फैब्रिक की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर आपको एक पॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल कैसे दूसरे कैजुअल जैकेट्स होते हैं सिंपली वैसे इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या एक्चुअल में ये लेदर जैकेट है? तो अगर आप इसके कॉम्पोजिशन को देखोगे, यहाँ पर इसका बेस है 88% पॉलिएस्टर, 7% कॉटन, 5% विस्कोस, और ऊपर में कोटिंग की गई है पॉलीयुरेथीन की, यानी काइंड ऑफ प्लास्टिक की। ओवरऑल प्लास्टिक पॉलिएस्टर के मिक्सचर से ना इस तरह का एक मटेरियल क्रिएट किया गया है। तो ये लेदर जैकेट नहीं है, क्योंकि लेदर जैकेट्स आर एक्सपेंसिव। लेदर ना होते हुए भी ये जैकेट आपको प्रॉपर लेदर वाली फीलिंग देगा, अच्छा खासा सॉफ्ट है। एंड पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, डेफिनेटली रॉन्ग एक अच्छा ब्रांड है, और ये जैकेट भी काफी सिंपल खूबसूरत है। नेक्स्ट वाला लेदर जैकेट आता है भाई अगेन लेदर रिटेल से। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 4,999 रुपए, इतना आपको पे नहीं करना है। फर्स्टली भाई इसका कलर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस लेदर जैकेट की खास बात यह है कि इसमें यूज हुआ भाई काइंड ऑफ सिंथेटिक स्वेड लेदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ना ऐसा मखमली वेलवेटी जैसा फील हो रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। इसमें आपको प्रॉपर एक कॉलर मिलता है नॉर्मल साइज का है, मेटल के आपको चकचकाते हुए चेन तो देखने को मिलते हैं, लेकिन चेन की क्वालिटी ना थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी। दोनों चेस्ट के ऊपर में आपको जिप वाले पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ अच्छी खासी है, और नीचे में भी आपको जिप वाले कट पॉकेट देखने को मिलते हैं, अगेन डेप्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल स्लीव मिलता है क्लोजर के लिए, यहाँ पर भी आपको जिप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एल्बो के पास में ना एक एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का पैच लगाया गया है। ये वाली जो डिजाइनिंग होती है ना जैकेट्स को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हालांकि पता है पेरेंट्स का कि मम्मी घर में बोली ये कौन सा जैकेट ले आया भाई, फटा होगा, यहाँ पर पेंदी लगा दिया। पेरेंट्स नेवर अंडरस्टैंड फैशन। बैक में आपको कोई डिजाइनिंग कोई प्रिंटिंग नहीं देखने को मिलती है। अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर भाई फर देखने को मिलता है, बहुत मोटा नहीं है लेकिन भाई डेफिनेटली वर्क जरूर करेगा। एक तरफ अंदर में आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा, टांगने का जुगाड़ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको लेदर रिटेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड फाइनली मैं बस एक बात यही कहना चाहूंगा ना लेदर रिटेल के बारे में, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन माइनर ना फिटिंग की या थोड़ी मोड़ी ना इधर उधर इश्यूज रहती है ना, जिसके कारण ना मैं बीच में फंस सा गया था कि इसको अच्छा बोलूं कि खराब बोलूं, थोड़ा सा बस परफेक्ट होने की जरूरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट जैकेट आ गया हमारे पास, फटाफट से निकालते हैं, और ब्रांड का नाम है भाई नॉन, जो कि आता है वेबसाइट से। अगर हम लेदर जैकेट्स की शॉपिंग की बात करें तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ना आपको परफेक्ट कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बजट कलेक्शन दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप डिमांड करोगे ना तो मैं एक्सपेंसिव जैकेट्स भी बताऊंगा। नॉन का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी हुई है 1699, इतना ही आपको पे करना है, लेकिन देखो कितनी ज्यादा कम है इसके एमआरपी ऑलरेडी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ना सिंपल सी एक सैकेट जैसी इसकी डिजाइनिंग है। सिंपल से आपको टिप टॉप बटन देखने को मिल जाएंगे, ऊपर में आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, पूरा बटन मेटल का है। उसली में आपको कफ्स भी देखने को मिल जाएंगे, सेम आपको शर्ट जैसा एक नॉर्मल सा कॉलर भी देखने को मिलेगा। बैक और फ्रंट से पूरा प्लेन है, अंदर में आपको नॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये हमने लिया है एम साइज, और अंदर भी देखोगे ना बड़े ना डिफरेंट टाइप का फैब्रिक, एंड अगेन कहूंगा एक शैकेट जैसा ही फील होता है। यहाँ पर यूज हुआ है 100% विस्कोस, और ऊपर कोटिंग की गई है पॉलीयुरेथीन की, यानी काइंड ऑफ प्लास्टिक की। इतने ज्यादा सिंपल जैकेट लेने का सिंपल सा यही रीजन है ना कि लेदर जैकेट्स आर नॉट इन ट्रेंड राइट नाउ। अगर आपको इस वक्त लेदर जैकेट खरीदना है, थोड़ा सा सिंपल थोड़ा सा सोवर लोगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा बाइकर टाइप का लेदर जैकेट पहनोगे ना तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उतना ट्रेंडी आपको फील नहीं होगा। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। अगेन जो हम जैकेट देख रहे हैं भाई वो भी आता है लेदर रिटेल से, क्योंकि इकलौता यही ब्रांड है ना, किसी भी वेबसाइट से जाकर खरीदो आपको उछल उछल के दिखा गया है, मेरे पास है मेरे से लो। और इस वाले जैकेट की ना भाई कहानी अलग है। लेदर रिटेल का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, अब इसमें अलग टैग है, और प्राइसिंग यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई है। वेबसाइट में एमआरपी थी 6,000 रुपए, और जैकेट का नाम देखो भाई KGF जैकेट लिखा हुआ है। KGF में इसी टाइप का जैकेट पहना था क्या हीरो, मुझे बताना। तो कलर की बात करें, पूरा ब्लैक कलर का फॉक्स लेदर वाला जैकेट है, यानी समझ लो कि रेक्सीन टाइप का ये मटेरियल होगा। जो भी आपको चमकता धमकता दिखेगा जैकेट में वो दिखेगा इसके जिप्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिप्स आपको मिलते हैं। एक तो आपको बिग साइज का लेपल
कॉलर देखने को मिलता है, एंड एंड में आपको मेटल के बटन देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट चेस्ट पर आपको एक चेन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पॉकेट मिलता है, डेप्थ अच्छी खासी है। यहाँ पर आपको एक साइड जो जिप मिलता है ना उसको आप दो जगहों पर लगा सकते हो। थोड़ा लूज पहनना तो इस वाले चेन में लगा और टाइट करना तो यहाँ पर लगा लो। बाकी नीचे आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर भी आपको अगेन जिप तो मिलता है, पॉकेट की डेप्थ भी अच्छी है और बहुत सारी ना स्टिचिंग के थ्रू आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसे बॉटम साइज में ऐसे चॉकलेट जैसा यहाँ पर स्टिचिंग किया हुआ, स्क्वायर स्क्वायर साइड साइड में आपको बहुत सारी स्टिचिंग देखने को मिल जाएंगे। वही डिजाइनिंग आपको स्लीव में भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर टाइट करने के लिए अगेन चेन वाला जुगाड़ दिया गया है। अंदर की तरफ अगर झांकोगे तो प्रॉपर पूरा मखमल का फर देखने को मिलता है। एग्जैक्ट मखमल नहीं है, बोलने से वो समझ में आता है ना आपको। अंदर की तरफ आपको कोई पॉकेट नहीं मिलता, लेदर डिटेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, हैंगिंग आपको जुगाड़ मिल जाएगा और बैक की तरफ से पूरा प्लेन है। और नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको वो स्टिचिंग के थ्रू डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, जला हुआ कैडबरी चॉकलेट लगता है। बाकी ओवरऑल जैकेट देखो 2000 रुपए के आसपास का और सिंपल सी यही कहानी है ना, अच्छा नहीं लगता। एक जो इसका जो लुक है वो बाइकर जैकेट वाला है, इस वक्त उतने फैशन में नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है ले लो। अगेन चेन की क्वालिटी या थोड़ी मोड़ी ना वो मिसिंग सी फील होती है प्रोडक्ट में, इस पे लेदर रिटेल को काम करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट जैकेट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई लेदर रिटेल, एक वैसा ब्रांड जो आपको हर साइट में मिलेगा। लेदर रिटेल का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 3999। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड, यही वन चांस की खासियत है। यहाँ पर आपको जेन्युइन रिव्यू मिलती है, जेन्युइन वर्ड्स मिलते हैं और हमें मोटिवेशन। प्रॉपर ब्राउन कलर का जैकेट है, थोड़ा सा ना चॉकलेटी ब्राउन ज्यादा लगता है। नॉर्मल सा आपको कॉलर देखने को मिलता है, हैंगिंग का जुगाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको दो जिप वाले पॉकेट देखने को मिलते हैं। बस एक चीज मुझे छोटी सी प्रॉब्लम क्या लगी कि ये जिप ना इसके मटेरियल से ढक जाता है, जबकि ये जो सिल्वर वाला पार्ट है थोड़ा सा दिखता है ना तो ज्यादा ना वो मस्त लगता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर पॉकेट के डेप्थ की बात करें, अच्छी खासी डेप्थ आपको देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर छोटा मोटा फोन तो घुस ही जाएगा इसमें। बीच में भी आपको सेम वही क्वालिटी का जिप मिलता है, नॉट द वेरी वेरी बेस्ट क्वालिटी लेकिन हाँ अच्छा है। राइट साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको जिप देखने को मिलता है। अंदर की तरफ देखोगे ना यहाँ पर प्रॉपर वाई पूरा फर का काम किया गया, मोर लाइक अ हुडी आपको फील होगा। प्रॉपर आपको गर्मी मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी देखो ये जो मटेरियल है ना, जो कि लेदर नहीं है लेकिन लेदर जैसा दिखता है, हवा को अंदर नहीं जाने देता और ये फर्स आपको ज्यादा गर्मी भी प्रोवाइड करवाएंगे। अंदर में आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाएगा, लेदर डिटेल की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बैक से पूरा प्लेन है, हल्की फुल्की आपको स्टिचिंग्स वाली डिटेलिंग देखने को मिलेगी और स्लीव के एंड में भी यहाँ पर आपको जिप वाली डिटेलिंग देखने को मिलती है। और अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन सेम वही मटेरियल यूज हुआ होगा, पॉलिएस्टर एंड पॉलीयुरेथीन का मिक्सचर होगा। आगे पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो। देखो लेदर जैकेट्स में 3-4 ही ऐसे कलर्स होते हैं ना जो कि मोर वेरेबल होते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, टैन। ब्राउन के 3-4 शेड्स ले लो, व्हाइट कलर भी कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन जितना मैंने पहले बताया ना वो ज्यादा वेरेबल कलर्स हैं। ओवरऑल जैकेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन अच्छा अच्छा फील हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो जैकेट हम देख रहे हैं वो भी लेदर रिटेल का ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अच्छी है। यहाँ पर आपको सिंपल सा इनका टैग देखने को मिल जाएगा और वापस अलग ही टैग है। प्राइसिंग 3999 देता हूँ, पे नहीं करना है। नॉर्मल सा आपको कॉलर देखने को मिलता है, जिप भी आपको देखने को मिल जाएगा सिल्वर कलर का जिसकी क्वालिटी है। दोनों चेस्ट पे आपको पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, अंदर की तरफ आपको अगेन फर मिलता है, साइड में आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा, लेदर डिटेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फुल स्लीव मिलता है, क्लोजर के लिए यहाँ पर आपको चेन मिल जाएगा। ओवरऑल यही गाथा है सारे जैकेट्स की, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर फालतू की ना आपको स्टिचिंग और लंथ फन 10 चीजें देखने को नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा सोवर सा जैकेट है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। हमेशा जैकेट खरीदते समय ये याद रखना, एक परफेक्ट फिट वाले जैकेट के लिए जाना। जरा सा लूज पहनोगे ना 2 साल तक तो चलेगा, लेकिन 2 मिनट भी आपका लुक अच्छा नहीं लगने वाला। शॉर्ट फिटेड जैकेट पहनोगे ना भाई एकदम जबरदस्त लगता है। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लास्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं और ये वीडियो भी हम एंड कर रहे हैं भाई रॉन्ग के जैकेट से। रॉन्ग का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 5199 रुपए। डोंट वरी, ये भाई प्रॉपर ना पूरा मैट ब्लैक कलर का जैकेट है जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आपको सेम वही कॉलर देखने को मिल जाता है, खड़ा सा थोड़ा मैंडरिन जैसा दिखता है और यहाँ पर आपको बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे ऊपर कॉलर में, जैसा हमने एक्जैक्टली पिछले वाले जैकेट में देखा था। यहाँ पर आपको मेटल का जिप नहीं, जैसे नॉर्मल जिप कैसे होते वैसा देखने को मिलता है, मेटल का आपको ग्रिप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको रॉन्ग की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको सेमी मैट टाइप का ना पैच देखने को मिलेगा लेदर का, जो कि लेदर नहीं है। सिंपल सा ये लॉजिक समझ लो कि चमड़े के ऊपर चमड़ा पहनोगे तो कोई अंदर से भंगड़ा नहीं निकलने वाला, तो लेदर ना होना इट्स अ गुड थिंग। नीचे में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, ये मोर लाइक स्ट्रेट कट है। यहाँ पर आपको जिप भी देखने को मिलता है, डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। देखो प्राइस वाइज ना क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है रॉन्ग में। अंदर की तरफ अगर बात करें तो पूरा पॉलिएस्टर फैब्रिक का लाइनिंग देखने को मिलेगा, अंदर में आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिलता है भाई 100% पॉलिएस्टर का काम, जिसके ऊपर कोटिंग की गई है पॉलीयुरेथीन की यानी प्लास्टिक की। शोल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वही सेमी मैट वाला लेदर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी स्टिचिंग्स की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी जो कि स्लीव तक जाती है, अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ना वो रगड़ लुक आ रहा है इसमें। क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल
और पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। देखो लेदर जैकेट खरीदने समय ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल खरीदोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। कई लोगों को मैंने देखा है प्रिंटेड लेदर जैकेट खरीद लेते हैं, सीधी सी बात नो। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। सारी जैकेट्स की प्राइसिंग आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।